हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए आज क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी बीच में एक दिन क्लास नहीं आई थी, ठीक है, उसे रिकवर और करते हैं थोड़ा। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था, थर्ड कर नहीं किया था, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सिक्स्थ कर लिया, सेवन्थ कर लिया, एट्थ कर लिया, टेंथ भी कर लिया, लेकिन अभी नाइन्थ नहीं किया है। लेकिन नाइन्थ कराएंगे, पहले इलेवेंथ करेंगे। आपसे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी इज ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। बच्चों इसमें भी हमें सम तो दिया है, लेकिन ना फर्स्ट टर्म दिया ना कॉमन डिफरेंस दिया, उसके बिना तो कभी हम काम कर ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, तो ए पी का फर्स्ट टर्म मान लो बड़ा ए। क्यों? क्योंकि सम में हमें छोटा ए पहले से ही दे रखा है। एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, तो क्या होगा बच्चों? बड़ा डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का सम है ए, क्यू टर्म का सम है बी और आर टर्म का सम है सी। यानी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का सम है ए। ओपन करेंगे पी अपॉन टू, टू ए प्लस ये एन की जगह पे तो क्या आएगा, पी माइनस वन डी ए। अब ध्यान से देखो, हमें जो प्रूफ करना है बच्चों, वो प्रूफ करना है ए पी अपॉन क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर और पी माइनस क्यू बराबर जीरो। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है भाई? जब ये प्रूफ करना है तो आगे देखो। अब देखो, मुझे चाहिए ए अपॉन में पी। तो देखो पी यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, यहां पर आके डिवाइड करेगा? जी बिल्कुल करेगा। वन अपॉन टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी, ये बन जाएगा ए अपॉन पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ए अपॉन पी आ गया। इसी तरह बी अपॉन क्यू निकाल लो। नाउ हाँ भाई, एस क्यू किसके बराबर है? एस क्यू का सम है फर्स्ट क्यू टर्म का सम है बी। तो ठीक है जी, इसको भी ओपन करो, क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस वन डी और ये आ गया बी। तो आ जाएगा क्या भाई, क्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, वन बाय टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी बी अपॉन में क्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगला नाउ, एस आर बराबर सी, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म इज सी। तो ये हो जाएगा आर अपॉन में टू, टू ए प्लस आर माइनस वन डी बराबर सी। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, वहां देखो सी अपॉन आर, आर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं भाई। अब क्या शुरू करेंगे, अब उसी को प्रूफ करेंगे। नाउ ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू बराबर जीरो। मुझे बच्चों ये प्रूफ करना है, ठीक है? अब प्रूफ कर रहा है तो एलएचएस ले लो। ए अपॉन पी की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, वन बाय टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी और बाहर कौन है, क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस बी अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी है, वन बाय टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, ठीक है, ये तो ये हो गया, और साथ में आर माइनस पी, प्लस सी अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, वन बाय टू, टू ए प्लस आर माइनस वन डी और पी माइनस क्यू, ये है बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू, तीनों में से वन बाय टू कॉमन ले लो। और अब क्या करो, अंदर जो भी बाहर है अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे, टू ए क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन क्यू माइनस आर डी, ठीक है, प्लस वन बाय टू तो कॉमन आ चुका है, अंदर मल्टीप्लाई, टू ए आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी डी, प्लस वन बाय टू तो कॉमन आ जाएगा, टू ए पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू डी, ये ठीक है भाई। अब क्या करना है, वन बाय टू, हाँ जी, टू ए, टू ए, टू ए, टू ए, ये तीन टर्म है हमारे पास। अब क्या करो, इसमें से टू ए कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, क्यू माइनस आर,
अंदर क्या बचेगा, आर माइनस पी, अंदर क्या बचेगा, पी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस डी डी डी, तीन डी वाले हैं, डी कॉमन ले लो, ये रहा डी कॉमन। अब अंदर क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करो, पी की क्यू से मल्टीप्लाई करो पी क्यू, पी की आर से मल्टीप्लाई करो पी आर, ठीक है, पी आर, फिर माइनस वन की इससे करो माइनस क्यू, माइनस वन की माइनस आर से करो माइनस माइनस प्लस आर, इसी तरीके से फिर इनकी करो, क्यू की आर से करोगे तो क्या क्यू आर, फिर इसके करोगे माइनस का पी क्यू, फिर वन से करोगे माइनस का आर, फिर इससे करोगे माइनस प्लस का पी, फिर अंदर करो इसका पी आर, फिर इसका करो क्यू आर, फिर इसका करो माइनस पी, फिर इसका करो प्लस क्यू, ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, वन बाय टू, टू ए प्लस पी माइनस पी, प्लस पी माइनस पी, आर आर कट गया, ये तो आ गया जीरो, प्लस डी, हाँ जी, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू, माइनस का पी आर प्लस का पी आर, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, प्लस का आर माइनस का आर, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर, प्लस का पी माइनस का पी, तो ये भी क्या आ गया, डी इंटू में जीरो, तो वन बाय टू, टू ए होगा जीरो, डी भी होगा जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, और ये सब कुछ जीरो, हैंस प्रूफ्ड, करो, है ना आसान। करो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, इनोट कर लिया, चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो बच्चों, आपसे क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज, बच्चों एन टर्म का सम दिया हुआ है आपको, एन टर्म का सम दिया हुआ है आपको, अरे कहाँ गया क्वेश्चन यार, 3n² प्लस 5n, ये दिया हुआ है। अब कह रहा कि अगर इसके mth टर्म की वैल्यू 164 है, mth टर्म की वैल्यू कितनी है 164 है, तो बताओ कि भाई m की वैल्यू कितनी है, ये पूछे ना, बताओ m की वैल्यू कितनी है, ठीक है। चलिए पहले तो बच्चों इसमें सबसे पहला काम है मुझे a और d निकालना, क्या है a और d निकालना, a कैसे निकाल पाऊंगा, अगर बच्चों मुझे a1 निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा s2 माइनस s1, याद है ना, तो चलिए करते हैं, यानी कि पहले मेरे को s1 निकालना पड़ेगा, पुट n इज इक्वल टू 1, तो 3² 5 1, 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, 3 1 जा 3 प्लस 5 और ये 8, सॉरी एक बात तो भूल ही गया, जो S1 होता वही A1 होता है, लेकिन A2 निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर D चाहिए तो A2 माइनस A1 करना ही पड़ेगा, और A2 आपको पता ही कैसे निकलेगा, पुट n इज इक्वल टू 2, S2 3, 2 का स्क्वायर 5, 2 3 4 प्लस 10 12 प्लस 10 और ये आ गया 22, ये आ गया S2। नाउ
अब क्या निकालना बच्चों, सेकेंड टर्म ए टू, ए टू होता है एस टू माइनस एस वन, एस टू कितना 22, एस वन कितना 8, माइनस हो जाएगा कितना आएगा 2 और 6 14, तो यानी ए टू की वैल्यू आगी 14। अब जब ए टू आ गया, ए वन आ गया, तो डी भी निकाल लो, डी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है 14, ए वन कितना 8, कितना आ गया 6, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। नाउ नाउ द एमएथ टर्म ऑफ एपी, एपी का एमएथ टर्म आपको 164 दिया हुआ है। एमएथ टर्म मतलब ए एम बराबर 164, ए प्लस में एम माइनस 1 डी बराबर 164, ठीक है। ए ए कितना दिया हुआ आपको 8, अभी अभी निकाला हमने, एम हमें पता नहीं, डी कितना 6, प्लस का 8 वहां जाके माइनस हो जाएगा, हाँ भाई कितना हो जाएगा 4, 156, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, काटो इसे, 6 2 जा और 6 6 जा, एम माइनस 126, माइनस 1 इधर आके प्लस 27 आंसर। चलो करो भाई, करो इसे, चलिए नोट कीजिए इसे फटाफट, इसके बाद मैं आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 टू 26, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एपी। हाँ जी, द गिवन सीक्वेंस इज, हाँ भाई सीक्वेंस दे रखा है आपको एपी के फॉर्म में, और कह रहा है सबसे आगे नंबर है 8 और सबसे लास्ट नंबर है 26, जिसके बीच में 5 टर्म है, जिसके बीच में कितने टर्म है, 5 टर्म है, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म आपको 8 दे दिया, लास्ट टर्म आपको 26, लेकिन कह रहा बीच में आपको 5 टर्म प्लेस करने हैं। अब एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना, देखना जरा, बीच में मुझे 5 वैल्यू प्लेस करनी है, लेकिन जो सबसे आगे है वो कौन है, फर्स्ट टर्म, और जो सेकंड नंबर पे ये बड़ा ए वन है असल में कौन है, ये ए टू, क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म है, जो ए टू है वो कौन है, ए थ्री, जो ए थ्री है वो कौन है, ए फोर, जो ए फोर है वो कौन है, ए फाइव, जो ए फाइव है वो कौन है, ए सिक्स, और जो ये है ए सेवन, तो इसका मतलब ये आपके रफ के लिए है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी बनी बच्चों, 7 टर्म्स बनी, कितनी टर्म्स बनी, 7, क्योंकि 5 इनके बीच में और एक इधर एक इधर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन गए, 7 टर्म्स बन गए। तो बस बात खत्म, हमें तो क्या करना भाई, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वो आपको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 8, हाँ जी, लास्ट टर्म ऑफ एपी ए एन यानी कि ए सेवन वो दिया हुआ है 26, क्योंकि लास्ट टर्म है, ए सेवन का मतलब ए प्लस में 6 डी बराबर 26, ए कितना है 8, 6 डी निकालना है, प्लस का 8 वहां जाके माइनस, 26 माइनस 8 6 डी आ गया 18, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, कैंसिल आउट 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3, बस बात खत्म। अब पांचों की पांचों वैल्यू आपके सामने, नाउ हाँ भाई जो पहली वैल्यू है वो बड़ा हुआ ए वन है, और ए वन असल में कौन है, ए टू, और ए टू कैसे लिखते हैं, ए प्लस में डी, मतलब 8 प्लस में 3 बराबर 11, यानी इसकी वैल्यू आ गई 11।
इस तरह ए टू, ए टू असल में क्या है ए थ्री, ए थ्री क्या है ए प्लस में टू डी, ये हो जाएगा 8 प्लस में 2 और d की वैल्यू 3, 8 प्लस में 6 और ये आ गया 14। इस तरह a3, a4, a प्लस में 3d, 8 प्लस 3, 8, 8 प्लस में 24 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 24 और 8 32, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इस तरीके से हमें बच्चों क्या निकालना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ की है मैंने, 3 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 9 और 8 कितने होते हैं 17। ठीक है, इसी तरह A4 निकालना है, A5 निकालना और सीक्वेंस बना देना है। ठीक है, करो बच्चों। करो इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो भी आपको घर से करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 15, ये तो नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 15, उससे पहले मैंने अर्थमेटिक मीन आपको पढ़ाया था, ए प्लस बी अपॉन टू होता है, क्या होता है ए प्लस बी अपॉन टू होता है, कौन, अर्थमेटिक मीन। तो आपसे बोला 15 क्वेश्चन में कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज द एम यानी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है जी, एम ऑफ ए एंड बी, भाई ए और बी का ए एम आपको दे रखा है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये आपको क्या दे रखा है भाई, ए एम ऑफ ए बी, और ए एम होता क्या है, ए प्लस में बी अपॉन टू बराबर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये होता है। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, टू को इससे कर देंगे तो टू ए एन प्लस टू बी एन। अब अंदर मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे ए की पावर एन माइनस वन डॉट ए की पावर वन प्लस इसको इससे करेंगे ए की पावर वन डॉट बी की पावर एन माइनस वन प्लस इसको इससे करेंगे ए की पावर एन माइनस वन डॉट बी प्लस इसको इससे करेंगे बी की पावर वन डॉट बी की पावर एन माइनस वन, टू की, ठीक है, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 से 1 कट गया एन, बेस 1 से 1 तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 1 से 1 सॉरी बेस सेम नहीं है ना, तो ये तो ए डॉट बी की पावर एन माइनस वन प्लस ये हो जाएगा ए एन माइनस वन बी प्लस ये बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा भाई, ये तो बी की पावर एन बराबर 2 ए एन प्लस 2 बी एन। ठीक है, अब ये ए एन और बी एन को उठा के उधर ले जाओ, यहां बनेगा a डॉट b की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन b और ये बनेगा 2 की पावर n प्लस b 2 b की पावर n माइनस a n माइनस b n, तो ये a डॉट b की पावर n माइनस वन a n माइनस a की पावर n माइनस वन b, 2 a में से ये गया तो a n, 2 b n में से b n गया प्लस का b n। अब क्या करो, अब देखो यहां पर a की पावर छोटी है b की पावर बड़ी है, यहां पर a की पावर बड़ी है b की पावर छोटी है, तो किसी एक को इधर उधर लेके जाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो a वाले को, इस a वाले को उठा के वहां ले गया, b वाले को उठा के यहाँ ले आया, तो ये a डॉट b की पावर n माइनस वन इसको उठा के इधर ले आओ, b की पावर n इसको उठा के उधर ले जाओ, a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस वन b। ठीक है, अब बात आती है कॉमन की, अब क्या बात आती है कॉमन की, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ a की पावर 5 माइनस ए की पावर 4, तो कॉमन अगर लोगे तो आप कॉमन क्या लोगे, हमेशा जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है, हमेशा जो छोटी पावर होती है क्या होती है, वो कॉमन आती है। तो मान लो हमने यहां से ए की पावर 4 कॉमन लिया, तो यहां 5 था तो 4 निकल गया बचा 1, यहां 4 था चारों का चारों निकल गया तो बचा गया एन माइन ए माइनस 1। तो इसी तरीके से बच्चों ये देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये है बी की पावर एन और ये है एन माइनस 1, मतलब
पावर में दोनों में कितने की कमी है, एक की कमी है, पावर में कितने की कमी है, एक की कमी है, तो बस ठीक है। इधर से छोटी पावर कॉमन आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, कॉमन हमेशा क्या आता है, छोटी पावर। तो यहां से जब तुम छोटी पावर कॉमन लोगे तो कौन कॉमन होगा, बी माइनस एन, यहां बचेगा ए माइनस। लेकिन भाई मैंने क्या बताया कि जब यहां से कॉमन ले लेते हैं तो वो पूरा कॉमन आ जाता है, उसकी जगह पे एक अकेला डिजिट बच जाता है। तो यहां पे बी की पावर एन था, तो जब एन माइनस वन एक कम कॉमन आ गया तो बच क्या जाएगा, बी बच क्या जाएगा, बी। इसी तरह यहां पे भी, यहां पे क्या कॉमन आएगा, ए की पावर एन माइनस वन, और अंदर क्या बच जाएगा भाई, इन एन में से एन माइनस वन निकाला ए बचा, और ये तो पूरा कॉमन निकल गया, बचा बी। भाई ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, हाँ भाई, तो ये आ गया बी माइन बी की पावर एन ए की पावर एन माइनस वन। अब आपको पता है हर किसी के मल्टीपल में वन होता है, होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई कोई भी डिजिट बिना वन के मल्टीपल के नहीं बन सकती। तो इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको लिख सकता हूं वन बराबर ए अपॉन बी की होल पावर एन माइनस वन, क्यों, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, पावर कॉमन ले ली, मैंने पावर क्या ले ली, कॉमन ले ली। अब क्या करूंगा, अच्छा अब एक बात बताओ, अब कंपैरिजन करना है तो क्या मैं इस वन को ए अपॉन बी की पावर जीरो लिख सकता हूं, भाई बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो वन होती है, किसी की पावर जीरो क्या होती है, वन। अब मुझे दोनों को कंपेयर करना था, क्यों, ताकि मैं आंसर निकाल सकूं, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होते हैं, किसके केस में, इक्वल के केस में, कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम। तो माइनस वन इधर आके प्लस वन गया, एन की वैल्यू वन आ गई, एन की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ठीक है करो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये चलो आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक दो टाइप के और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये कीजिएगा और इसको बार बार देख के अच्छे समझ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए बाय।